हरि बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव हरि हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल मुकुंद माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव हरि हरि केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि
आनंद माधव हरि हरि बोल। गुरुवार है, विष्णु जी का वार है, ये सच्चा दरबार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। आज गुरुवार है, विष्णु जी का वार है, ये सच्चा दरबार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। जनों पर संकट आया है भारी, संकट आया है भारी। जब जब तेरे भक्त जनों पर संकट आया है भारी, संकट आया है भारी। तब तब तुम धरती पर आए चक्र सुदर्शन धारी, चक्र सुदर्शन धारी। सबके पालनहार है, विष्णु जी का वार है, ये सच्चा दरबार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। शेषनाग की शैया पे लेटे रहते हैं, शैया पे लेटे रहते हैं। क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पे लेटे रहते हैं, शैया पे लेटे रहते हैं। तेरी कृपा बिन तृण ना डोले, वही होता जो चाहते हैं, वही होता जो चाहते हैं। करन करावन हार है, विष्णु जी का वार है, ये सच्चा दरबार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। संहार किया, रावण का संहार किया। राम रूप में आके तुमने रावण का संहार किया, रावण का संहार किया। कृष्ण रूप में आए तो प्रभु कंस को तुमने मार दिया, कंस को तुमने मार दिया। धर्म के पहरेदार हैं, विष्णु जी का वार है, ये सच्चा दरबार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। Thank you.
डर से जब प्रह्लाद पुकारा है, जब प्रह्लाद पुकारा है। भक्त की जान बचाई तुमने, हिरण्यकश्यप को मारा है, नरसिम्हा अवतार है, विष्णु जी का वार है, ये सच्चा दरबार है, सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। शोभे कर में और कमल का फूल है, और कमल का फूल है, सब रत्नों से बढ़कर स्वामी आपके चरणों की धूल है, जो पाए भव पार है, विष्णु जी का वार है, ये सच्चा दरबार है, सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है।
पल की खबर नहीं, ओ पल की खबर नहीं, रिश्तेदार सारे यहाँ मतलब के यार हैं, मतलब के यार हैं, क्यों मुँह लगाना ये तो झूठा संसार है, झूठा संसार है, झूठा संसार है। रिश्तेदार सारे मतलब के यार हैं, क्यों मुँह लगाना ये तो झूठा संसार है। प्रभु नाम से प्रीत लगा ले, प्रभु नाम से प्रीत लगा ले, पल की खबर नहीं, ओ पल की खबर नहीं। सच्चा इंसान है, सच्चा इंसान है वो, सच्चा इंसान है। नाम पियाला जिसने पिया वो महान है, पिया वो महान है जो, पिया वो महान है। पर उपकार करे जो सच्चा इंसान है, नाम पियाला जिसने पिया वो महान है। उसकी सतगुरु कर रखवाली, उसकी सतगुरु कर रखवाली, पल की खबर नहीं, ओ पल की खबर नहीं। कितना प्यारा तन ये तेरा प्रभु ने बनाया है, प्रभु ने बनाया है, प्रभु ने बनाया है। माया धन सुख में तूने नाम को भुलाया है, नाम को भुलाया है, नाम को भुलाया है। कितना प्यारा तन ये तेरा प्रभु ने बनाया है, माया धन सुख में तूने नाम को भुलाया है। गुरु शरण अभूल सुधारी, गुरु शरण अभूल सुधारी, पल की खबर नहीं, ओ पल की खबर नहीं।
द्वार है। हरि नाम को तू अपना ले, हरि नाम को तू अपना ले। पल की खबर नहीं, पल की खबर नहीं। हरि नाम की माला जप ले, हरि नाम की माला जप ले। पल की खबर नहीं, पल की खबर नहीं। श्री विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चित लाए। कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत देते असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सजन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु तारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हरिणाक्ष को मार गिराया। धर्मत्स्य तन सिंधु बनाया, चौदह रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्रा चल गिर तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकीन लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाए। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना सुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणा कुश आदिक खल मारे। गणकार आजा मिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु तारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हर सिर जनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भगतन हितकारे। चह
चाहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानु नहीं योग्य जप पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाय। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नारायणाय। महामंत्र जो भी जपे जन्म सफल हो जाए। नरसिंह वामन कृष्ण तू, परशुराम तू ही राम। श्री हरि तेरे चरणों में शत शत कोटि प्रणाम। तेरी ज्योति से मिलता ज्ञान का परम प्रकाश। तेरे गुण गा कर तुलसी बन गए तुलसीदास। रूप चतुर भुज धारी प्रभु, शंख चक्र लिए हाथ। नाथ अनाथों के तुम हो हे स्वामी जगन्नाथ। सिंधु सुता संग तेरी पूजा, जो करे सुबह हो शाम। सकल मनोरथ सिद्ध हो, जग में बड़ा हो नाम। बद्री नारायण स्वामी तेरी गूंजे जय जयकार। इस कलयुग में भक्तों का करते हो उद्धार। ऋषि मुनि तेरे गुण गाए, वेद भी करे बखान। जिसके सर तेरा हाथ हो जाए धनवान। चरणों से निकली गंगा गई धरा पे आए। कितने पापी तर गए जल में डुबकी लगाए। तन मन को निर्मल करे पावन तेरा नाम। रोगी रोग से मुक्त हो, पल में मिले आराम। व्रत बृहस्पति वार जो करते मन चित लाए। पूरी हो मनोकामना, मन वांछित फल पाए। पत्थर भी नारी बनी, चरण धूलि को पाए।
शाप मुक्त हुई अहिल्या, राम नाम गुण गा। तेरे नाम के सुमिरन से सिद्ध होत सब काम, तीनों लोक में परमेश्वर सबसे बड़ा तेरा नाम। जग में सबसे सुंदर है पावन प्रभु का नाम, चाहे सीता राम कहो या बोलो राधे श्याम। सत्य नारायण रूप में करते अनधन की बरसात, सत्य नारायण पूजन से बन जाए बिगड़ी बात। जगत पिता है परमेश्वर जग के पालनहार, ऐसी कृपा करो हे स्वामी सुखी रहे संसार। सृष्टि के हर जीव में आपका ही है वास, आपकी छाया पा करके आम भी होता खास। जगत पिता है जगदीश्वर, नमन करो सिर नाए, मुझको भी अपना लो स्वामी जीवन सफल हो जाए। सूर्य के तेज में आप हैं, चांद की रोशनियाँ आप, चलती हवाएं आप से जल थल नभ में आप। क्षीर सागर में बैठ के जग को घुमाते आप ही पालनहार हैं दुनिया चलाते आप। धर्म की रक्षा करने को लेते हैं अवतार, निज जन की रक्षा करते दुष्टों को देते मार। आपकी लीला का प्रभु कोई न पाया पार, आपकी ही संतान है ये सारा संसार। किस विधि तुमको ध्याऊं मैं, मुझको नहीं है ज्ञान, बालक जान के हे प्रभु चरणों में दो स्थान। बस इतनी कृपा करना हे अनाथों के नाथ, मेरे सर पे हे भगवन रखना अपना हाथ। मेरा मन भी करता है सदा रहूं तेरे पास, मुझको भी मेरे स्वामी बना लो अपना दास। सिंधु सुता संग सागर में करते आप निवास, शेष नाग शैया बन के आपके रहते पास।
पक्षी राज गरुड़ जी पे रहते आप सवार, जल थल नभ में हे प्रभु करते आप बिहार। आपके दर पे आते हैं शारदा शेष महेश, सदा ही सेवा में रहते गौरी पुत्र गणेश। केला फल मिसरी मेवा तुलसी दल जो चढ़ाए, उसके बिगड़े काम बने प्रभु कृपा बरसाए। भगवते वासुदेवाय। अपने भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। पालनकर्ता भगवान विष्णु जो इस सृष्टि के पालन करता है, अपने भक्तों की सदा पुकार सुनते हैं, सदैव उनके सारे बिगड़े काम बनाते हैं, और संकट के क्षण में जब भी कोई भक्त भक्त परायण विष्णु भगवान को पुकारता है, तो एक क्षण मात्र का विलंब किए बिना भी दौड़े चलकर आते हैं और अपने भक्त को संकट से उबारते हैं। तो आइए भक्तजनों, गज और ग्राह की इस पावन कथा को सुनते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे भक्त ने एक बार पुकारा और भगवान दौड़े चले आए। करूं मैं विष्णु का गुणगान, करूं मैं विष्णु का गुणगान, जब भक्तों पे संकट आया, जब भक्तों पे संकट आया, दूर किए भगवान, करूं मैं विष्णु का गुणगान, करूं मैं विष्णु का गुणगान। एक गजराज था सुंदर, वो रहता पर्वत ऊपर, प्रेम करते थे जिससे सभी जंगल के जानवर, झुंड के बीच में चलता, मस्ती में झूमता रहता, विष्णु का परम भक्त वो सदा नारायण कहता, जंगल के सारे जीवों का, जंगल के सारे जीवों का करता था सम्मान, करूं मैं विष्णु का गुणगान, करूं मैं विष्णु का गुणगान। भोला भाला गजराज भगवान विष्णु का परम भक्त था,
दिन में खेलता खाता मस्त रहता और सुबह शाम आठों याम भगवान विष्णु को याद करता रहता था। भगवान विष्णु को वो अपने पिता के समान मानता था। एक दिन वो भोला भाला गजराज अपने दोस्तों के साथ एक सुंदर से सरोवर के नजदीक जा पहुंचा और सभी साथियों के साथ उस सरोवर में उतरकर पानी पानी खेलने लगा। वो सब अपनी सूंड में पानी भरते और एक दूसरे पर फेंक कर बड़े मजे से खेल रहे थे। झुंड के सारे हाथी एक दूजे के साथी खेल रहे पानी पानी, शाम थी बड़ी सुहानी। सूंड में पानी लेके एक दूजे पे फेंके, ग्राह ने गज के पांव को घसीटा मुंह में लेके। गज का पांव जब ग्राह ने पकड़ा, गज का पांव जब ग्राह ने पकड़ा, हुए सभी परेशान। करूं मैं विष्णु का गुणगान, करूं मैं विष्णु का गुणगान। बड़ा ही सुंदर गंधर्व जो देवल ऋषि के शाप से तालाब में मगरमच्छ बन गया था, वो मगरमच्छ गजराज का पैर पकड़ लेता है और पैर पकड़कर गहरे पानी में खींचने लगता है, जिसे देखकर हाथियों का झुंड परेशान हो जाता है। मगर चूंकि पानी बहुत गहरा होता है, इस वजह से चाह कर भी कोई ग्राह की मदद नहीं कर पाता है। ग्राह और गज के बीच घमासान लड़ाई होती है, मगर ग्राह गज का पैर छोड़ने का नाम नहीं ले रहा होता है। वो बलपूर्वक गज को पानी के अंदर खींचता है और गज का आत्मविश्वास और बल धीरे धीरे जब जवाब देने लगता है तो वो हरी को पुकारता है। ग्राह ने जोर लगाया, पांव में दांत गड़ाया, हाथी के बहते लहू को वो पीकर प्यास बुझाया। हाथी के बहते लहू को वो पीकर प्यास बुझाया। ग्राह और गज के बीच में युद्ध हुआ बड़ा भयंकर, पी के गजराज के खून को ग्राह बन गया ताकतवर। श्री हरि को तब गज ने पुकारा, श्री हरि को तब गज ने पुकारा, संकट में थे प्राण। करूं मैं विष्णु का गुणगान, करूं मैं विष्णु का गुणगान। ग्राह और गज के बीच बहुत ही भीषण लड़ाई होती है। ये लड़ाई 6 महीनों तक चलती है। ग्राह दिनों दिन गज का खून पीकर ताकतवर होता जाता है
और खून बहने से गजराज कमजोर होता जाता है। अंत में गजराज को जब ऐसा महसूस होने लगा कि वो इस युद्ध को नहीं जीत पाएगा और वो मारा ही जाएगा, तो वो भक्त वत्सल भगवान विष्णु को करुणा भाव से पुकारता है। और आगे क्या होता है? प्राण संकट में पाकर गज ने विष्णु को पुकारा, विष्णु जी दौड़े आए, चक्र से ग्राह को मारा। ग्राह गंधर्व बन गया, हरि की शरण में आया, हरि को पिछले जन्म की वो सारी बात बताया। दोनों को वैकुंठ मिले, दोनों को वैकुंठ मिले, विष्णु ने दिया वरदान, करूं मैं विष्णु का गुणगान, करूं मैं विष्णु का गुणगान। भक्त वत्सल भगवान भक्त के मन की बात जानते हैं, और भला भक्त जब संकट में हो और भगवान को पुकारे तो भगवान कैसे नहीं आते। और इस कथा के लेखक पंडित संजय तिवारी कहते हैं कि अपने भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। सिर चढ़ बोले, हरि का नाम जपो निश दिन तुम, हरि का नाम जपो निश दिन, इसमें अब बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
फिरता मारा मारा तीर्थ है हरि नाम हमारा फिर क्यों फिरता मारा मारा अंत समय हरि नाम नावे अंत समय प्रभु नाम नावे तो काशी और मदीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या रसना पर हरि नाम नयावे आभूषण से अंग सजावे रसना पर हरि नाम नयावे देह पड़ी कुंडल और नगीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में एक यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं अर्पण कर दूं दुनिया भर का
सब प्यार तुम्हारे हाथों यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तेरे चरणों का दास बनूं तेरे चरणों का दास बनूं इस पूजक की एक एक रग का भर तार तुम्हारे हाथों जब जब संसार का कैदी बनूं निष्काम भाव से कर्म करूं निष्काम भाव से कर्म करूं फिर अंत समय में प्राण तजूं निराकार तुम्हारे हाथों मुझ में तुझ में बस भेद यही मैं नर हूँ तुम नारायण हो मैं नर हूँ तुम नारायण हो मैं हूँ संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों
स्वरूप में आए, सप्त ऋषि सत्यव्रत को बचाए। प्रलय काल मत्स्य रूप में आए, सप्त ऋषि सत्यव्रत को बचाए। संहार श्री हरि विष्णु जी, दुनिया के पालनहार श्री हरि विष्णु जी। सागर मंथन को कच्छप बन के आए, पीठ पे मंद्राचल पर्वत उठाए। पीठ पे मंद्राचल पर्वत उठाए। सागर मंथन को कच्छप बन के आए, पीठ पे मंद्राचल पर्वत उठाए। पीठ पे मंद्राचल पर्वत उठाए। करण करावन हार श्री हरि विष्णु जी, दुनिया के पालन हार श्री हरि विष्णु के। वाराह रूप प्रभु जब आए, हिरण्याक्ष को मारे पृथ्वी बचाए। हिरण्याक्ष को मारे पृथ्वी बचाए। धर के वाराह रूप प्रभु जब आए, हिरण्याक्ष को मारे पृथ्वी बचाए। हिरण्याक्ष को मारे पृथ्वी बचाए। जय विजय जय विजय का किए उद्धार श्री हरि विष्णु जी, दुनिया के पालनहार श्री हरि विष्णु जी। भक्त प्रह्लाद संकट जब आया, नरसिंह रूप तब प्रभु ने बनाया। नरसिंह रूप तब प्रभु ने बनाया। भक्त प्रह्लाद पे संकट जब आया, नरसिंह रूप तब प्रभु ने बनाया। नरसिंह रूप तब प्रभु ने बनाया। हिरण्यकश्यप कश्यप दिए मार श्री हरि विष्णु जी, दुनिया के पालनहार श्री हरि विष्णु जी।
नमस्कार श्री हरि विष्णु जी। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए श्री विष्णु भगवान जी की। वीरवार दिन विष्णु जी का हो, वीरवार दिन विष्णु जी का नारायण कहलाते, विष्णु जी की कथा सुनाते, पावन गाथा गाते, श्री हरि की कथा सुनाते, पावन गाथा गाते। जय जय नारायण हरि, बोलो नारायण हरि। भक्तजनों, इस सृष्टि के पालनहार श्री विष्णु भगवान की पावन गाथा आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। पीतांबरधारी भगवान श्री हरि, जिनका चतुर्भुज रूप अत्यंत अनुपम और पावन है, अपने हाथों में भगवान शंख चक्र और गदा पद्म इत्यादि धारण करते हैं तथा भक्तों का सदा उद्धार करते हैं। तो ऐसे नारायण हरि की पावन कथा सुनने हेतु उनके चरणों का ध्यान लगाते हुए मेरे साथ बोलिए, बोलिए श्रीमन नारायण हरि हरि। है सबके पालनहारे ये कहते ऋषि महात्मा, भगवान मेरे श्री विष्णु सर्वव्यापक हैं परमात्मा। विष्णु जी की शक्ति से संचालित है जग सारा, है माता लक्ष्मी संग में नित गूंजे जय जयकारा। श्री हरि जी सगुण है भक्तों, विष्णु हरि निर्गुण भी है, शंख और चक्र हाथ में गदा विधारे कर भी, अति सोहे किरीट कुंडल हर पीतांबर धारी, कौस्तुभ मणि को धारण करते वनमाला अति प्यारी, सुंदर कमल से नैना जिनके मन को बहुत लुभाते, हरि की कथा सुनाते, भक्तों पावन गाथा गाते। जय जय नारायण हरि, बोलो नारायण हरि। भगवान श्री हरि विष्णु के भक्तों अनेक अनेक रूप हैं और अनेकों नाम हैं, परंतु जिस भी नाम को उच्चारिए परिणाम तो एक ही होता है। जगत के पालनहारे अपने भक्तों की रक्षा करने हेतु एक आवास पर दौड़े दौड़े चले आते हैं, तो आइए हम भी नारायण के नाम का उच्चारण करते हैं।
है पद्म पुराण में वर्णन, परमार्थ तत्व है विष्णु, वे ब्रह्मा शंकर के संग सृष्टि के कारण विष्णु। कोई कहता है नारायण, कोई वासुदेव पुकारे, कोई अच्युत कहे परमात्मा, नित झुकता जाके द्वारे। कोई हिरण्यगर्भ कहता कोई शाश्वत कृष्णा, कोई शिव ईश्वर कहता महिमा का प्यारा वर्णन। है अनेकों नाम तो इनके रोम रोम में वासा, वो जीव है भाग्यशाली मन दर्शन का प्यासा। संपूर्ण जीवन के स्वामी दर्शन भी दे जाते, हरि की कथा सुनाते भक्तों पावन गाथा गाते। जय जय नारायण हरि, बोलो नारायण हरि। अपने भक्तों के कल्याण हित भगवान श्री हरि नारायण ने 10 अवतार धारण किए भक्तों, जिन्हें मत्स्य, कूर्म, वरह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण और बुद्ध प्रमुख हैं। और अब इस घनघोर कलयुग में प्रभु कल्कि का अवतार लेकर शीघ्र ही आने वाले हैं। सृष्टि का पालन करते और अंत में आप संहारे, विष्णु का नाम हरि है, जब बिगड़े काज सवारे। ये वरा कूर्म और मत्स्य है ग्रीव और वामन, अवतार श्री विष्णु के श्री राम और श्री कृष्ण। जब कल्प का आरंभ होता श्री हरि यहाँ अकेले, था चहूं और तो जल ही जल लेटे थे हरि अलबेले। शेष नाग की शैया श्री हरि शीर सागर सोहे, ऋषि मुनि भक्तन के नित निर्मल मन को वो मोहे। हिरण्य गर्भ भी कहलाते हैं, लीला खूब रचाते, पावन कथा सुनाते भक्तों हरि की गाथा गाते। जय जय नारायण हरि, बोलो नारायण हरि। भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत भक्त वत्सल और दयामय हैं भक्तों। जब एक गज ने ग्राह के फंद में फंसकर प्रभु को पुकारा तो उसे बचाने चले आए, तो क्या हम जैसे साधारण जीवों पर प्रभु दया नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे, बस नाम को सच्चे हृदय से उच्चारना होगा। जीवों पर करुणा दृष्टि श्री विष्णु जी ही करते, जो शरणागत हो जाता खुशियों से झोली भरते। कल्याण उसी का होता जो करते नाम का कीर्तन, है परम दयालु विष्णु चाहे करके देखो सुमिरन। जो महिमा को सुनता वो भव सागर पार उतरता, जो करता वंदन पूजन है उसका भाग सवरता। सब पाप और ताप मिटे भगवान के गुण अनंता, भक्तों के वत्सल विष्णु कहते हैं मुनि जन संता। सर्वोपरि गुण श्री हरि का खाली नहीं लौटाते, पावन कथा सुनाते भक्तों हरि की गाथा गाते। जय जय नारायण हरि, बोलो नारायण हरि। भगवान ने अलग अलग रूपों में अपने भक्तों की रक्षा की। बालक ध्रुव ने जब भगवान की गोदी में बैठना चाहा
तो प्रभु ने उसकी ये इच्छा पूर्ण की। प्रहलाद को अपने पिता के आतंक से भगवान श्री हरि ने नरसिंह बनकर ही बचाया। ऐसे ही भक्तवत्सल भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने हेतु आते रहते हैं। है जिसकी भावना जैसे वो वैसा रूप दिखाते, फल आज किसी को मिलता मर्जी से फल दे जाते। मत गोदी में तुम चढ़ना जब मौसी ने ललकारा, की छोटी उम्र में भक्ति को ध्रुव को पार उतारा। लीला फिर खूब दिखाई भक्तों की लाज बचाई, प्रहलाद तो बच गया भक्तों जल गई होली कमाई। इस दुनिया से अनजाने अजामिल बने दीवाने, भव बंधन के फंदे काटे सारी दुनिया जाने। भीड़ पड़े जब जब भक्तों पे दौड़े दौड़े आते, हरी की कथा सुनाते भक्तों पावन गाथा गाते। जय जय नारायण हरि बोलो नारायण हरि। जब भगवान कृष्ण का रूप भगवान श्री हरि ने धारण किया तो महाभारत के महानायक बने, कंस का अंत कर धरती को पापों से मुक्त किया। उधर जब पापी दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण करना चाहा, तब प्रभु ने चीर बढ़ाकर उसकी रक्षा करी थी। भक्तों जब कौरव बने कसाई था अपना धर्म भुलाया, द्रौपदी के केश पकड़ के वो दुशासन था लाया। वहाँ पांडव भी थे बैठे ते छोटे बड़े ही सारे, मत ऐसा पाप करो रे चुप बैठे हुए थे सारे। था हुक्म ये दुर्योधन का जिसे पूरा करना है, इस भरी सभा में इसका चीर हरण करना है। जब लगे थे चीर खींचने रोए द्रौपदी नारी, क्या कर ले फिर दुश्मन उसका बन रक्षक गिरधारी। कभी राम कभी कृष्णा बन के भगवन लाज बचाते, हरि की कथा सुनाते भक्तों पावन गाथा गाते। जय जय नारायण हरि बोलो नारायण हरि। भक्तों भगवान श्री हरि विष्णु इतने करुणामयी हैं कि भक्तों के पुकार पर कुछ भी बन जाते हैं। जब धन्ना जाट ने उन्हें भक्तिवश पुकारा तो उसकी झोपड़ी में शालिग्राम बन उसके साथ वहां प्रभु ने वास किया, और गणिका परम भक्तिनी का भी उद्धार भगवान ने ही किया। ये भक्त जनों ने जानी थी गणिका अजब दीवानी, वो निज चरणों में ले ली जब नाम की महिमा बखानी। भक्तों के दुख हरने में विलंब यदि हो जाता, हर भूल मानते अपनी ऐसा है प्रेम का नाता। खुद ही क्षमा याचना करते आन में हो गई देरी, भक्तों की खता नहीं हरि कहते खता है मेरी। अवतारों की कथा सुनो इन सब में लिखा पाया, भक्तन के मारे मरते श्री विष्णु की है माया। जीवों का कल्याण करने में ना कभी देर लगाते,
हरि की कथा सुनाते भक्तों पावन गाथा गाते। बोलो नारायण हरि जय जय नारायण हरि। भक्तजनों नारायण हरि के चतुर्भुज रूप का दर्शन करने स्वयं भगवान ब्रह्मा और शिव शंकर भी आते हैं। बीच समुद्र में शेष की शैया पर अधलेटी मुद्रा में भगवान लेटे हैं और माँ कमला चरण दबा रही हैं। ऐसा नयनाभिराम दृश्य कहाँ देखने को मिलता है भक्तों। मेरे विष्णु जी भगवान की है महिमा अजब निराली। ये तीन लोक गुलशन है श्री विष्णु जी हैं माली। रखते हैं ध्यान सभी का रखते सम्मान सभी का। भक्तन की चिंता रहती बस इतना काम हरि का। लवण समुद्र के मध्य में भक्तों विष्णु लोक अति प्यारा है जिनकी दिव्य दृष्टि देखे अजब नजारा। वहाँ वो चार मास तक रहते संग हो लक्ष्मी बासा। जो साचे हैं भक्त हरि के कभी न आए निराशा। ब्रह्मा शंकर अपने अपने लोक से दर्शन पाते हरि की कथा सुनाते भक्तों पावन गाथा गाते। जय जय नारायण हरि बोलो नारायण हरि। ब्रह्म ऋषि नारद की वीणा भी नारायण नारायण ध्वनि का गुंजान करती है भक्तों। और भक्त वत्सल भगवान सभी को दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ करते हैं। क्या देवी क्या देवता वैकुंठ लोक में आकर श्री हरि के नाम का उच्चारण करते हैं तथा उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं भक्तों। ओम नमो हरि नारायण ये मंत्र जो भी जपता वो भक्त मेरे विष्णु को है बहुत ही प्यारा लगता। श्री विष्णु जी की प्रसन्नता इस मंत्र से हो जाती। जो सिद्धि चाहिए जिसको वो पल भर में मिल जाती। वैकुंठ में ये वास करें और देवता उनको घेरे। संपूर्ण वेदों के रहते जहाँ पे नित्य ही डेरे। धर्म ज्ञान ऐश्वर्य वहाँ रहता सदा वैराग्य। जो हरि के दर्शन करता खुल जाता है भाग्य। परम दयालु श्री हरि हैं शास्त्र यही बताते। हरि की कथा सुनाते भक्तों पावन गाथा गाते। जय जय नारायण हरि बोलो नारायण हरि। श्री हरि भगवान विष्णु की लीलाएं भी अजब निराली हैं भक्तों। 10 अवतारों के अतिरिक्त उनके मोहिनी अवतार ने जहां एक ओर शिवजी के प्राण बचाए वहीं दूसरी ओर देवताओं को अमृत पान भी करवाया। तो बोलिए मोहिनी अवतार की। जो विष्णु जी का सिंहासन वह अष्ट दल कमल है। रहे सूर्य चंद्र और अग्नि सब पावन और निर्मल है। देवों के स्वामी विष्णु बड़े परम दयालु भगवन। रामा के संग में रहते ये वेद करे हैं वर्णन।
कोई जपे वासुदेवाए, कोई नमो नमो गाए। श्री विष्णु जिसका भी चाहे पल में काज बनाए। ब्रह्मा जी की लाज बचाते, शिव की लाज बचाते, कोई दिव्य पुरुष ही जाने जो लीला हरी रचाते। भक्तों की नैया बीच भंवर में हरी ही पार लगाते, पावन कथा सुनाते, भक्तों हरी की गाथा गाते। जय जय नारायण हरि, बोलो नारायण हरि। तो यह बात सिद्ध हुई भक्तों, श्री नारायण हरि को चाहे जिस रूप में पुकारो, चाहे विष्णु नारायण कहो, चाहे स्वामी नारायण, चाहे बद्री नारायण, चाहे नमो नारायण, प्रभु अपने भक्तों की पुकार सुनकर दौड़े दौड़े आते हैं और उनके दुखड़ों का विनाश करते हैं। देवी देवता भगवान श्री हरि के नाम का गुणगान कर रहे हैं। संत मुनि ऋषिजन श्री हरि के नाम का यज्ञ हवन कर उनकी कृपा को प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए आप भी श्री हरि की कृपा को प्राप्त कीजिए। बोलिए मेरे साथ, बोलिए श्री हरि भगवान विष्णु नारायण की। जपो नाम कमल सिंह नित्य, गुरु कर्ण सिंह का कहना, श्री विष्णु की भक्ति बिन यहाँ खाली कभी ना रहना। चाहे भजो राम की माला, चाहे मोहन मुरली वाले, अवतार मेरे विष्णु के कर देंगे खेल निराले। निस दिन पाठ और आरती करता वो विष्णु को प्यारा, इस कलयुग में जान लो भक्तों विष्णु नाम सहारा। ये थोड़ी सी जिंदगानी माटी में मिल जाए, श्री विष्णु की कृपा से वो परम पदवी पाए। नारद जी भी इसीलिए नारायण नाम को गाते, हरि की कथा सुनाते, भक्तों पावन गाथा गाते। जय जय नारायण हरि, बोलो नारायण हरि।